हियर इज द एंटायर बजट इन 60 सेकंड। फर्स्ट, इस इंटरिम बजट में कोई भी बड़ी अनाउंसमेंट नहीं थी, तो इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी बड़ा चेंजेस नहीं आया है। बट मिडिल क्लास के लिए एक नया अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम होगी, लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस है जो आपको डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बेनिफिट करेंगे। फर्स्ट, योर इनकम टैक्स रिटर्न्स विल बी प्रोसेस फास्टर एंड नए एयरपोर्ट्स एंड ट्रेन देखने को मिलेगी। लगभग 1 करोड़ से ज्यादा हाउस होल्ड्स को रूफ टॉप सोलराइजेशन, हर महीने 300 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। अब क्विकली इकोनॉमी को इम्पैक्ट करने वाली चीजों पे आते हैं। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे 11 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च करेगी, ये पिछले साल से 12% ज्यादा है। एंड टैक्स कलेक्शन 12% बढ़ सकती है और डिफेंस स्पेंडिंग 4% से ज्यादा बढ़ेगी। इंडियन गवर्नमेंट जितना कमाती है उससे ज्यादा स्पेंड करती है, एंड इसी को हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। एंड गवर्नमेंट उसको ग्रेजुअली डिक्रीज करके फाइनेंशियल ईयर 26 तक 4.5% पर लाएगी। फाइनली, गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर स्कीम्स लाइक मनरेगा और पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने पर ज्यादा स्पेंड करेगी। तो आपको क्या लगता है कि बजट कैसा था? लेट मी नो इन द कमेंट्स।